वेलकम बैक स्टूडेंट। आज अपन चर्चा करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ध्यान रहे, इससे जुड़े हुए जो कुछ टॉपिक है वो अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज का टॉपिक पूरी तरह से कक्षा 12 के लिए डेडिकेट रहेगा और उसमें से जो जो मेन यूनिट है वो कौन सा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा वाला चैप्टर है। इससे ज्यादातर टॉपिक अपने कवर कर लिए हैं और आज मतलब लास्ट या सेकंड लास्ट टॉपिक की ओर है और वो है ये डेरिवेशन है। ठीक है, इन डेरिवेशन के साथ साथ इसमें कोरिलेशन क्या होता है उसको समझना। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तौर पर, मतलब अपवर्ड वेग के तौर पर। साथ ही उसके साथ एक रहेगा अपना ये जो धारा घनत्व वाला टॉपिक है, धारा घनत्व के साथ साथ अपना रहेगा ये गतिशीलता वाला ये वाला टॉपिक। तो इनको तीन टॉपिक को पढ़ने के बाद में इसमें कोरिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ज्यादातर बच्चों की क्या रहती है, समस्या रहती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इन जो टॉपिक है अपने सामने, इनमें रिलेशन वाला जो टॉपिक वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा क्रिटिकल करता है भाई। इसमें आपको संबंध सत्यापित करना होता है, कंपटीशन में वो चीजें जरूरी नहीं होती। कंपटीशन में केवल इतना ही काफी है कि केवल ये फॉर्मूले काफी है, आप इस फॉर्मूले के बेसिस पर अपने न्यूमेरिकल तक क्या कर सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं, यानी उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड क्लासेस इसको प्रूफ मांगेगी और प्रूफ के लिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो आज के इस टॉपिक की ओर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो आज का वो टॉपिक रहेगा उसमें देखो पहला कौन सा टॉपिक रहेगा जिसके बारे में अपन स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहला रहेगा अपवर्ड वेग और विद्युत क्षेत्र के बारे में, अपवर्ड वेग और विद्युत क्षेत्र के बारे में। पहले इन दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और बाद में इन दोनों के बारे में अपन कोरिलेशन तैयार करेंगे। और ये रहेगा आपका आज का टॉपिक फर्स्ट रहेगा, वो ये रहेगा, ये फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है, जहां VD बराबर क्या रहेगा, E tau कैपिटल E अपॉन में N, ये वाला फॉर्मूला आज तुमको क्या करना है, प्रूफ करना है। और हाँ, कंपटीशन वाले बच्चे ये ध्यान दें, केवल आपको ये फॉर्मूला ही अच्छे से आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हालांकि डेरिवेशन के दौरान और उसको समझाएंगे। जैसे यहाँ पर VD क्या है, V मतलब वेलोसिटी, D मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अपवर्ड वेग, E क्या होता है जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है जिसकी वैल्यू अपने पास फिक्स होती है, वो वाला यहाँ पर मान होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। अगर ज्यादा चार्ज है तो वो एन ई के तौर पे आ सकता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्यू बराबर एन ई के फॉर्मेट में ही इसको लिया जाता है और आगे की संख्या में इसको अपन और बढ़ा सकते हैं। तो टाउ यहाँ पर रहता है विश्रांति काल, एक टाइम होता है जो कि इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के बीच का समय होता है और वो भी एवरेज होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टक्कर नहीं होती, हजारों टक्करों के बाद में जो एवरेज निकल के आता है वो टाइम यहाँ पर होता है टाउ के तौर पर। ठीक है, इसको टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ई आपको सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र यानी अपवर्ड वेग का विद्युत क्षेत्र के साथ कोरिलेशन वाला ये रिलेशनशिप रहेगा। और ये मतलब अपवर्ड वेग ये यहाँ पर अच्छे से क्लियर करता है कि ये तभी आएगा जब बैटरी वहां पर कनेक्टेड होगी, किसी चालक को जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे ना तभी आपको अपवर्ड वेग देखने को मिलेगा। अगर वो बैटरी नहीं है, मतलब चालक बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपको अपवर्ड वेग के बारे में चर्चा करना व्यर्थ होगा, वहां पर अपवर्ड वेग नहीं आएगा। मतलब अपवर्ड वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच में क्या रिलेशन हुआ कि एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है। बाद में आता है कि ये m मतलब इलेक्ट्रॉन का मास जो कि कांस्टेंट है, वो भी वैल्यू फिक्स है 9.1 × 10⁻³¹ kg के तौर पे होगी और यूनिट के अनुसार अपन इसको बदल भी सकते हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म के तौर पे यहाँ पर काम में लिया जाएगा। तो मेनली जो चेंज होता है अपवर्ड वेग में वो क्या है आपका e, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या करेगा, बदल सकता है। दूसरा वाला पार्ट जो कोरिलेशन लेंगे इसके बाद में वो है अपवर्ड वेग और विभवांतर के मध्य, अपवर्ड वेग और विभवांतर के मध्य। बस इसमें इतना सा करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही आपको उनको ओपन करना है, तो E बराबर क्या होगा, V अपॉन में L हो जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में L हो जाएगा, V अपॉन में L हो जाएगा। तो देखिए, तो यहां पर जैसे आप E की वैल्यू क्या रखोगे, V बटा L रखोगे, तो ये बताओ यहां पर क्या जाएगा, V बटा L, तो ये दूसरा कोरिलेशन, ये क्या हुआ, अपवर्ड वेग और ये V मतलब विभवांतर के मध्य कोरिलेशन हुआ। ये अपना आज का दूसरा टॉपिक रहेगा। तीसरा टॉपिक क्या रहेगा, जो कि है अपवर्ड वेग और गतिशीलता के मध्य, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के मध्य कि वो कितना होता है, तो दोनों में कोरिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसके बारे में भी आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ याद रखने वाली चीज ये है कि जो अपवर्ड वेग है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के, यानी विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता ही होता है, साथ साथ में उसकी गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के भी क्या होता है, समानुपाती होता है, ताकि
आप शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं ना ऑब्जेक्टिव वहां पर आप मार्क दिखाएं जो अच्छे से ध्यान रखा मतलब ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज भी बढ़ेगी। फिर है आपका जो कि डेरिवेशन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट इन सभी डेरिवेशनों में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मानी जाती है बोर्ड क्लास के हिसाब से वो है कौन सी अपवन वेग और कौन सी विद्युत धारा वाली वो है अपने पास I बराबर ए ई एन वी डी और ये अच्छे से आपको फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। क्या कहता है यहाँ I क्या है एम्पियर है ए क्या है ठीक है एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे मेरे पास ये चीज है मान लीजिए वायर है तो इसका एरिया क्या होगा तो ये पूरा नहीं लेना आपको केवल आगे वाला जहां से करंट फ्लो होता है ठीक है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो वो यहाँ पर ए होगा। ई आपका वही चीज है जो यहाँ पर था फिक्स वैल्यू है ठीक है 1.6 × 10⁻¹⁹ के तौर पर रहेगा एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व रहता है प्रति इकाई आयतन पर ठीक है इसके बारे में भी अभी डेरिवेशन में लिखेंगे क्या है क्या नहीं है और वीडियो आपको अच्छे से बताएंगे क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अपवन वेग है तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है विदाउट जानना बोर्ड क्लास में डेरिवेशन तो प्रूव कर देंगे लेकिन न्यूमेरिकल में डेरिवेशन एक काम नहीं है कि वहां पर आपको ये फॉर्मूला ही आपको सॉल्यूशन करके देगा। तो आई बराबर क्या होता है ए ई एन वी डी वाला आपको अच्छे से क्या करना है याद रखना है। जस्ट इसके बाद में अपन चलेंगे वो है विद्युत क्षेत्र और कौन सा वाला धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के बीच में कोरिलेशन बहुत अच्छा माना जाता है और ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है आप अलग अलग तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं चलेंगे इसके डेरिवेशन के अंदर तब इसको मैं आपको दो तरीके से निकाल के बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो क्या है जे बराबर सिग्मा ई जे यहाँ पर धारा घनत्व है मतलब करंट डेंसिटी है और करंट डेंसिटी को यहाँ पर अगर फॉर्मूला याद रखना है आपको वो है आपका करंट अपॉन एरिया करंट अपॉन में क्या है एरिया तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना है जे का फॉर्मूला होता है आई मतलब धारा अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। उसके बाद में ये रिलेशन देखो रेगुलर इतने कोरिलेशन आपको तैयार करने हैं उसके बाद में अगला रिलेशन आएगा कितना विभवांतर और धारा जिसको अपन को ओम का नियम कहते हैं और एम ओम का नियम कहा जाता है और ओम का नियम क्या बताता है वी बराबर आई आर टेंथ क्लास में इतना ही पढ़ते हैं कि V बराबर IR होता है यहाँ वास्तव में लाना पड़ेगा कि वो कैसे आता है यहाँ वो भी हम क्या करेंगे प्रूव करेंगे V बराबर IR एग्जाम में आता है कि बोर्ड क्लास में ये पूछा जाता है ओम के व्यापक नियम को सत्यापित कीजिए या फिर ऐसे भी आ सकता है विभवांतर और धारा के मध्य संबंध को सत्यापित कीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है पूछा जा सकता है। उसके जस्ट बाद में अगला है चालकता और प्रतिरोधकता के बीच में सिग्मा और इस ग्रह के बीच में क्या रिलेशन होता है ये तो सभी जानते हैं कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं लेकिन ये प्रूव करके बताना है कि ये कैसे होता है ये भी आज की इस टॉपिक में क्या करेंगे अपन चर्चा करेंगे ध्यान रखना ये तभी क्लियर होंगे जब आपको ऊपर वाला टॉपिक आएगा मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप ही आना है एकदम से वो सारी चीजें आपको क्लियर नहीं होगी अगर आप पहले वाले डेरिवेशन या दूसरे वाले डेरिवेशन को अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी डेरिवेशनों में क्या नहीं आएगी दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर अगला इसके बाद में अपना जो मेन टॉपिक रहेगा जो कि थ्योरेटिकल रहेगा वो है आपकी गतिशीलता और धारा घनत्व गतिशीलता और धारा घनत्व जो कि क्या होता है म्यू बराबर वी डी अपॉन में ई जो कि यहीं से अपन डिस्कस करेंगे और उसके बाद में ये धारा घनत्व क्या होता है जे बराबर आई अपॉन ई जो कि मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। तो ये सारी चीजें आज की इस टॉपिक की क्या रहेगी अपनी मेन गाइडलाइन के तौर पर रहेगी तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में ताकि अपन स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ सकें तो आप नोट करें अपने इस कॉपी के अंदर। हाँ हाँ ध्यान रखना बोर्ड क्लास एक सिस्टमेटिक फॉलो नियम को फॉलो करता है ऐसा नहीं कि आपको एकदम से सारी चीजें आ जाएगी और एकदम से आप ये सोचो कि मैं ये पढ़ लू नहीं वो चीजें आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगी आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़िए मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ तक आपको आते आते आपको अच्छे से ये डेरिवेशन क्लियर हो जाएगी और बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में इसको क्या कर लें नोट डाउन कर लें। चलो बच्चों पढ़ते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की ओर जो कि अपना है कौन सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अपवन वेग। ध्यान रखना सबसे पहले इसकी क्या करना है डेफिनेशन तैयार करनी है और उसके बाद में इसकी क्या है इसके फॉर्मूले को क्या करना है प्रूफ करना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है सबसे पहले उस डेफिनेशन को समझने से पहले उसके सर्किट को समझना बहुत जरूरी है देखो ताकि डेफिनेशन अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले क्या लेना है आपको एक कंडक्टर लेना है एक चालक लेना है कंडक्टर मतलब उसमें क्या होता है कि हजारों की संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जब तक उसको बैटरी से नहीं जोड़ते जब किसी चालक को क्या नहीं जोड़ा जाता है बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है तो उसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो क्या करते हैं टेढ़ी-मेढ़ी क्या करते रहते हैं गति करते रहते हैं मतलब वो किधर भी क्या कर सकते हैं मोशन कर सकते हैं जैसे गैस के कण करते हैं वैसे। लेकिन
जैसे ही आप उसको वी वोल्ट के क्या जोड़ वी वोल्ट की किससे जोड़ दिया जाए, बैटरी से उसको क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी उस चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन है, उन पर एक विशेष फोर्स काम करेगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक टर्मिनल टू दूसरे टर्मिनल की ओर क्या करेंगे, गतिशील होने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, पॉइंट भी नोटेड, अच्छे से ध्यान रखना। मैं जो चीज बताने जा रहा हूं क्या है कि जैसे आप इसको वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करोगे, तो पहले जो इलेक्ट्रॉन कैसे चलते थे, गैसों के जैसे, कभी इधर कभी उधर, एक टकराया किधर भी जा सकता था, राइट। लेकिन जैसे आप वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स टक्कर करते, टक्कर तो वैसे भी होगी, लेकिन टक्कर करते हुए भी वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। जैसे देखिए, ये मान लिया अपना कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, चार कोई मेटल का है, इसको एक सिरे प्लस से बैटरी के प्लस से एक को जोड़ दिया बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल से। तो देखिए, ये वाला सिरा कौन सा हो गया, प्लस का, ये क्या हो गया, माइनस का। अब बैटरी के कुछ इलेक्ट्रॉन तो बैटरी से निकलते हुए जाएंगे, राइट। तो मैं उन चीजों को अभी डिस्क्राइब नहीं करा, केवल कॉन्सेप्ट समझना अंदर से। तो चालक के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। इसलिए मैंने यहाँ पर किसे दिखाया, नेगेटिव से। अब मुझे बताइए, नेगेटिव नेगेटिव की ओर तो नहीं जाएगा ना, किधर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे। ध्यान रखना, टक्कर तो होगी लेकिन फिर भी ये जाएंगे किधर की ओर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, क्योंकि एक फोर्स काम करेगा, राइट। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर क्या करेंगे, गतिमान होंगे। अब आप अच्छे से ध्यान रखना, आप ये देखिए, यहाँ हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक वेग होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन अपने एक अलग अलग वेग से क्या करेगा, गतिशील होगा। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा, तो उसका क्या है कि रिजल्टेंट, मतलब उसका जो परिमाण यानी वेग का जो रिजल्ट है, वो थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब बदलता रहेगा। तो कहने का मतलब हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग वेग से क्या करेगा, गति करेगा। इसीलिए सभी का वेग क्या होगा, अलग होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम हो जाएगी, दिशा क्या हो जाएगी, एक और हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपन वेग मतलब एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि एक डायरेक्शन लेके निकलता है। अब अच्छे से सुनना, इसका वेग v1 मान ले, इसका v2 मान ले, v3, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो जितने भी ये v1 v2 v3 है, मतलब अपन इन सबको क्या निकाल दे, अभी एक का तो नहीं बता सकते ना, तो इन सबको क्या करते हैं अपन, एडिशन करते हैं, मतलब अपनी तरीके से दूसरी भाषा में बोले मैथमेटिक्स में कि इसका एवरेज निकाल लें, मतलब औसत निकाल लें इन सब का, तो वही क्या कहलाएगा, अपन वेग। तो अपन वेग की मेन शर्त क्या हुई, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका औसत होना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है v1 v2 v3 और डॉट डॉट vn, जितने भी है उसके इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो औसत होना जरूरी है। तो अपन वेग की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एक अकेला वेग नहीं है, आप सोचे कि किसी एक पर्टिकुलर का वेग है, नहीं, ये एक पूरा का पूरा एवरेज है, मतलब औसत वेग है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए ये तभी आएगा जब बैटरी कनेक्टेड होगी, जब क्या होगी, बैटरी कनेक्ट होगी। सपोज मानिए मैंने यहाँ पर बैटरी नहीं लगाई, तब क्या होगा, तब एक एक आगे जाएगा, एक पीछे जाएगा, एक ऊपर जाएगा, दाएं जाएगा, किधर भी जा सकता है, मतलब उसका औसत कितना होगा, जीरो हो जाएगा। धारणा, जब बैटरी नहीं लगाएंगे यानी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो अपन वेग कितना बना रहेगा, जीरो बना रहेगा। और विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, मतलब बैटरी लगाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपन वेग क्या होगा, जनरेट होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ विद्युत क्षेत्र और आपके जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट करेंगे, मतलब विपरीत दिशा में उनकी चाल, उनकी दिशा रहेगी। जैसे देखिए, ये बैटरी का पॉजिटिव है, नेगेटिव है, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो प्लस है, माइनस की ओर, और इनके सबका वेग किधर है, माइनस से किधर की ओर, प्लस की ओर। इसलिए इन दोनों की दिशा एक दूसरे की क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। इसीलिए यहाँ पर देखो डेरिवेशन में चिन्ह किसका लगा हुआ है, नेगेटिव चिन्ह लगा हुआ है, और ये नेगेटिव यही बताता है कि अपन वेग और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या रखना है आपको, कि ये अपन वेग जो है, राइट, अपन वेग है, ये इसकी रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होती है, एवरेज अगर आपसे औसतन पूछ ले कि इसकी कोटि क्या होती है, तो मैं यहां पर आपकी इसकी कोटि लिख देता हूं। वो कोटि ध्यान रखना, इस अपन वेग की, वो कितनी होती है, 10^-3 से लगभग 10^-4 मीटर पर सेकेंड होती है, लगभग तांबे के बारे में देखने को मिलता है। तो ये इसकी कोटि होती है। अगर आपको और एवरेज कोटि पूछे कि मतलब इसका ये कितनी, कितना इसका मान लगभग हो सकता है, तो इस रेंज में हो सकता है, आगे पीछे मल्टीपल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये कोटि का ध्यान रखना कि पावर के रूप में ये रहेगा। तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना। अब मैं आपको एक सिंपली इस लैंग्वेज को जोड़कर एक डेफिनेशन तैयार करता हूं, और वो आप सुनना अच्छे से, और अपनी कॉपी में क्या करना, नोट करना। अपन वेग क्या होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का होना बहुत जरूरी है, मतलब बैटरी लगी हुई होनी बहुत जरूरी है,
तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका औसत वेग, उनका औसत वेग ही क्या कहलाता है, अपवर्तन वेग कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, वो आप अच्छे से नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। और इसके साथ ये डायग्राम और ये फॉर्मूला, अब आप सोच रहे हैं ये कहां से, ये अभी डेरिवेशन में अपन क्या करेंगे, थोड़ी देर में प्रूव करेंगे। और ये वाला भी अपन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसी डेरिवेशन का एक हिस्सा है। ये कहां से आया, क्योंकि अपन को पता है धारा और अपवर्तन वेग में क्या संबंध होता है, ए ई एन वी डी होता है। अब आप पूछ रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये कहां से आया, ये डेरिवेशन के दौरान अभी अपना तीसरा जो टॉपिक होगा वहां पर निकाल के लाएंगे ये कहां। फिलहाल यहां मैं फॉर्मूला प्रूव करना चाह रहा था, तो जैसे आप वीडी निकालोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए ई एन, तो लिख सकते हैं ऐसा। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, अपवर्तन वेग के सारे फॉर्मूले एक जगह रिपीट कर दिए। देखो अपवर्तन वेग मतलब औसत, या फिर आपको फॉर्मूला याद रखना है ई टाऊ टाऊ कैपिटल ई अपॉन में एम, या माइनस क्या बता रहा है कि अपवर्तन वेग और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे की क्या है, विपरीत दिशा में। और एक ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद रखना, ताकि आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में उलझे नहीं। अपवर्तन वेग से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट, कैसे पूछे जाते हैं वो देखे नीचे। अपवर्तन वेग का क्या रिलेशन है, अपवर्तन वेग है ना वो धारा के समानुपाती है। देखिए अपवर्तन वेग धारा के क्या है, समानुपाती का रिलेशन रखता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की जितनी ज्यादा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, अपवर्तन वेग बढ़ेगा, उसमें धारा का मान उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और ये बात स्वाभाविक भी है, इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा मूवमेंट करेंगे उनका वेग उतना ज्यादा बढ़ेगा, जाहिर सी बात है धारा का मान उतना ही बढ़ेगा। दूसरा है एरिया के साथ व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध रखता है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा धारा ये अपवर्तन वेग उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जितना कम होगा उतनी ही वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये है इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व है इकाई आयतन में, मतलब जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है प्रति आयतन में कितने पाए जाते हैं उसके मान पर भी इसका मान निर्भर करता है। देखिए कहां से आया, ये VD बराबर 1 अपॉन है, यहां से क्लियर। तो आपको अच्छे से याद रखना कि A के साथ क्या संबंध रखता है, N के साथ क्या संबंध रखता है, I के साथ क्या रिलेशन रखता है। और ये दो चीजें, एक और चीज इंपॉर्टेंट वाला विद्युत क्षेत्र का, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन वेग विद्युत क्षेत्र के साथ एक दूसरे के क्या रहता है, समानुपाती का रिलेशन रखता है, ये समानुपाती वाला। और ये दो चीजें, एक है आपकी ये गतिशीलता को लेकर जिसको म्यूचुअल रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ी देर बाद में आएगा जो तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ध्यान रखना कि गतिशीलता और अपवर्तन वेग भी एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, गतिशीलता। और ये क्या है, विभवांतर। क्योंकि आपको पता है जब ई को ओपन करेंगे, इस जगह ई को जब ओपन करेंगे तो ई बराबर क्या आएगा, वी बटा एल, ई बराबर क्या आएगा, वी बटा एल। और ये वैल्यू जैसे आप रखोगे वी, तो बताओ अपवर्तन वेग और वी के बीच में क्या संबंध आ गया, एक दूसरे के क्या आ गए, समानुपाती हो गए। तो पहले ध्यान रखना, आपको अच्छे से रखना कि अपवर्तन वेग किन किन चीजों पर निर्भर करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चीजों के लिए। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि ये क्या कोरिलेशन रखता है, कौन सी चीज बढ़ाने पर अपवर्तन वेग का मान घटेगा और कौन सी चीज घटाने पर इसका मान बढ़ेगा, ये आप अच्छे से यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। एक चीज और नोट कर लेना, अपवर्तन वेग एग्जाम में कई बार ये मात्रक के तौर पर पूछा गया, इसकी बीमा पूछी गई है, वेक्टर है या स्केलर है, ये पूछा जाता है। तो अपवर्तन से घबराना नहीं है, वेग तो वेग होता है और वेग हमेशा वेक्टर राशि होती है, मतलब सदिश राशि होती है। और वेग इसलिए इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होगा। कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपवर्तन वेग का मात्रक क्या है, तो उनके दिमाग में ये आता है कि अपवर्तन है तो वो कंफ्यूज, जबकि वेग है ये तो, और वेग का तो नॉर्मल होता है मीटर पर सेकंड, और नॉर्मल चीज की डायमेंशन होती है विमा एल टी माइनस वन। तो उम्मीद करता हूं ये अपवर्तन वेग तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपना ध्यान रखना अगला जो पार्ट रहेगा वो इसको प्रूफ करने का रहेगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक इसकी डेफिनेशन लिखनी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, वो डेफिनेशन दो लाइन की लिख के ये इतना सारा आपको एग्जाम में बोर्ड में यहां तक लिख जाना है, या आपको कॉम्पिटिशन के हिसाब से याद रखना है कि क्या ये संबंध रखता है। तब तक आप इसको नोट कर लें। चलो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं, और अपना जो आज का टॉपिक था अपवर्तन वेग, और उसको अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। अब जो आगे का पार्ट है वो है उसको प्रूफ करना, उसको सत्यापन कैसे करेंगे। देखिए अपवर्तन वेग एवं विद्युत क्षेत्र के मध्य, ये प्रूफ भी पूछ सकता है और इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप इन दोनों के मध्य क्या कीजिए, संबंध सत्यापित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, कि मैंने ये चीज आपको पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि अपवर्तन वेग की मस्त जो कंडीशन है वो क्या है, कि उसको बैटरी से जुड़ा होना चाहिए चालक को। अगर वो चालक बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है तो अपवर्तन वेग का मान कितना माना जाएगा, जीरो माना जाएगा, क्योंकि औसत वेग वहां पर जीरो माना जाएगा। देखिए जब चालक में विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, इसका मतलब क्या है, जब चालक को
बैटरी से नहीं जोड़ा गया, चालक को किसे नहीं जोड़ा गया, बैटरी से नहीं जोड़ा गया। तो क्या होता है कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, टक्कर करता है, जिधर टक्कर करता है उधर ही रवाना हो लेता है। मतलब उसकी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, जिधर टक्कर किया उधर, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है कोई उधर। वेग सबका होता है, वेग सबका होता है, राइट, वेग सबका होता है। लेकिन जब उनका रिजल्ट आप चाहिए पूछे कि इनका औसत निकालिए, तो एक ही डायरेक्शन किधर एक ही किधर, तो इनका परिणाम भी कितना आ जाता है, जीरो। तो जब चालक को बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाता है, उस समय उसके जो औसत वेग आता है वो कितना आता है, जीरो आता है। और ये सारा का सारा एक डायरेक्शन जरूर लेके चलता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन नहीं होता, सबके पास अपनी एक दिशा होती है लेकिन अलग अलग होती है, कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं चलता। आप नहीं बता सकते कि ये माइनस से प्लस के हो जाएंगे या प्लस से माइनस के हो जाएंगे या ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, क्योंकि क्या नहीं जुड़ी हुई है, बैटरी नहीं जुड़ी। इसलिए विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रारंभिक स्थिति में इसका औसत वेग कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। और आपको इक्वेशन नंबर इसको क्या देना है, फर्स्ट देना है, राइट। अब आपको क्या लिखना है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। इसका मतलब क्या है कि आपने उस कंडक्टर को चालक को किससे जोड़ दिया, वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है, वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए थे। तो जैसे आप किसी चालक को वी वोल्ट की क्या कर दोगे, बैटरी से क्या कर दोगे, इससे क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो एक इसमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इधर वाला चार्ज तो कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया, इधर वाले टर्मिनल में कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव हो गया। तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है चालक के, वो एक माइनस की तरह जाएंगे प्लस की ओर जाएंगे। आपने इस बार भी टक्कर होगी, इस बार भी सबका अपना अपना वेग होगा, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट बात, हर एक इलेक्ट्रॉन एक विशेष दिशा में जाता हुआ दिखेगा, माइनस टर्मिनल से किधर की ओर, प्लस टर्मिनल की ओर। और इन्हीं का औसत क्या कहलाता है, अपवर्ण वेग कहलाता है। तो अपवर्ण वेग की पहली शर्त आपने पढ़ी थी कि उसको वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट होना जरूरी है। तो ध्यान रखना अपवर्ण वेग, और एक चीज होता है अपवर्ण वेग और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो कई बच्चे क्या होते हैं कि इनको ऐसे उलझाते हैं कि ये क्या है, रट लेते हैं, रटना नहीं है, समझना है कि देखो विद्युत क्षेत्र तो प्लस से किधर की ओर होगा, माइनस की ओर होता है, वो तो फिक्स है, हमेशा रहेगा, बदलेगा है नहीं। और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस क्यों जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे खुद पे चार्ज कौन सा होता है, माइनस का होता है, और माइनस वाला आदमी माइनस के पास नहीं जाएगा, वो किधर जाएगा, अपोजिट वाले के पास जाएगा, मतलब प्लस वाले के पास जाएगा। इसलिए इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। अब अगर अपन बैटरी से जोड़ने के बाद में एक ये चीज मान लें कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो एक विशेष त्वरण से, विशेष एक्सीलरेशन के रास्ते से निकल रहे हैं, मतलब उसका ए है वो क्या मान लें, अपन कांस्टेंट मान लें, एक समान त्वरण से क्या कर रहे हैं, वो आगे की ओर क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ये आपको एक फिक्स ये चीज आपको कंसीडर कर लेनी है। उसके बाद में आपको क्या अप्लाई करना है, मान लीजिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका वेग क्या है, प्रारंभिक वेग तो क्या मानेंगे, u1 u2 u3 un तक, और जो अंतिम वेग है वो क्या मानेंगे, v1 v2 v3 .vn, और उनका त्वरण कितना मानेंगे, वो कितना मानेंगे अपन, ये ऐसा लैंग्वेज में अपन लिख देंगे। उसके बाद में क्या लिखना है, गति के नियम से। अब गति का प्रथम नियम क्या कहता है, v बराबर सबको पता है, v बराबर u प्लस at होता है। v क्या होता है, लास्ट वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल प्रारंभिक होता है, और t क्या होता है, समय। यहाँ थोड़ा सा एनसीईआरटी ने टी को क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ टी की थिकनेस हो सकती है, इसलिए यहाँ टी को चेंज किया, यहाँ टी को टाउ के तौर पे लिखा गया है, तो यहाँ पर टी को क्या माना गया, टाउ। ध्यान रखना ये टी है अपनी जगह, मतलब इसको सेकंड में लेना है, ये समय ही अपनी जगह है, बस कंफ्यूजन में हो, इसलिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, टाउ लिख रखा है। तो मुझे बताइए जो अपना न्यूटन का प्रथम नियम है वो क्या होता है, वी बराबर यू प्लस एटी। देखिए वी बराबर यू प्लस एटी, राइट। अब पहले वाले का अंतिम वेग क्या मान लिया हमने, v1। प्रारंभिक का क्या मान लिया, u1, ठीक है, u1। त्वरण क्या मान लिया, फिक्स है सभी के लिए a, सभी के लिए कंसीडर कर लेंगे फिक्स वैल्यू। और टाइम पहले वाले को कितना लगता है, t1 लगता है। इसी प्रकार दूसरे वाले के लिए v2 2 और a फिक्स हो गया। और इसी प्रकार अपन 3, 4, 5 भी लिखते चले जाएंगे, लेकिन वो चीजें नहीं लिखना है, डायरेक्ट n तक लिखना है। तो n भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, vn बराबर un प्लस a tau n। तो तीन इक्वेशन है अपने पास, ये 2, 3 फर्स्ट ये हो गए, और ये अब अपना क्या कहता है, अपना अपवर्ण वेग क्या कहता है, अपवर्ण वेग तो एवरेज वेलोसिटी होती है, औसत वेग होता है, बस लगा दीजिए अपने फॉर्मूले को और अपने डेरिवेशन तक पहुंच जाइए। तो आप क्या लगाएंगे, अपवर्ण वेग की परिभाषा से, अपवर्ण वेग क्या होता है, इन जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना ये जो टक्कर से पहले तो वेग क्या था, u1 u2 प्रारंभिक, और इनिशियल क्या, फाइनल क्या हो गया, v1 v2 v3, और इन्हीं सभी का औसत क्या कहलाएगा, अपवर्ण वेग।
राइट। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अपन वेग का फॉर्मूला लगाएंगे v1 v2 v3 डॉट vn, और जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या को उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो n का उसमें क्या दे देंगे, भाग। अब मुझे बताइए v1 का डाटा ये रहा, v2 का ये रहा, vn का ये, तीनों के मान यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिए और n का उसमें क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। अब देखिए, अब इसमें देखिए अच्छे से समझना, कोई हार्ड नहीं है, नॉर्मल सी बात है। u1 u2 u3 तीनों को एक जगह रख लो, n सबके नीचे n का डिवाइड कर दिया, ए तीनों में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर टाइम क्या हो गया, t1 t2 यानी tau1 tau2 और dot dot tau1 और n इसके नीचे आ गया। आप ये मत सुना डबल n कहां से आ गया, डबल n नहीं है वो, तो डिवाइड करेंगे तो नीचे दोनों तरफ आएगा, नहीं आएगा, ऐसे करके वापस करेंगे तो ये चीज आएगी। अब क्या है, ये u1 ये u2 u3 जो डॉट डॉट un वाला है, देखो इनिशियल वाला कितना है, प्रारंभिक कंडीशन पे कितना था, 0, तो मैंने इसकी वैल्यू को कितना वैल्यू रख दिया, 0 एक ही जगह ए, और इस पूरे सिस्टम को क्या मान लिया मैंने, क्योंकि एक प्रकार का औसत है, इसको मैंने टाउ औसत मान लिया, क्यों, क्योंकि tau1 tau2 और tau n को मैंने क्या मान लिया, tau, तो इसकी जगह मैंने इस पूरे की जगह मैंने क्या रख दिया यहां पर, ये tau रख दिया, और vd बराबर क्या आया, a tau। अब एक चीज ध्यान रखना अच्छे से, अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करना, आप देख रहे होंगे कि इसमें एक स्पेशल चीजें देखने को मिल रही होगी, बार डी के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, सब पर वेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर वेग एक सदिश राशि है, ध्यान रखना त्वरण भी सदिश राशि है, एक और चीज टाइम जो है वो समय जो अधिश राशि है, देखो समय पर कभी भी टाउ पर कभी सदिश नहीं लगाना है, जितने भी टाउ दिख रहे हैं उनको एक अधिश राशि उस पर सदिश नहीं लगाना है, और बच्चे ये गलती कर बैठते हैं, बोर्ड क्लास वाले बच्चे ध्यान दें कि आपको वेक्टर का भी अच्छे से ध्यान रखना है। एक आप ये भी सोच रहे होंगे ये क्या लग रहा है, ये बीडी के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, क्योंकि बीडी को यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया, मुझे बताइए, किसी का औसत लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सीधी सी बात है औसत लिख के ऊपर बार लगा देते हैं, फिर ये क्यों किया, देखिए ऐसा इसलिए किया, गौर से देखिए, अपन वेग क्योंकि एक सदी, इसको सदिश भी दिखाना है राइट, तो पहले तो सदिश दिखाएगा, अब मैं इसका औसत लूंगा तो ऊपर बार लगाऊंगा तो वो डबल लाइन हो जाएगी, वो डबल लाइन से बचने के लिए मैंने क्या लगाया, साइड क्रॉसिंग लगाया, ये भी एक ये जो चिन्ह है ना ये औसत का चिन्ह है, जब जब ऊपर वेक्टर लगाओ, हाँ ये नहीं होता तब अपन ऊपर बार खींच देते हैं और अपना वो से भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा इसका भी आप ध्यान रखें, ध्यान रखना समय के ऊपर कभी भी क्या नहीं लगाना है आपको, वेक्टर का फॉर्म नहीं लगाना है, क्योंकि समय मतलब टाइम एक स्केलर राशि या अधिश राशि है, तो ध्यान रखना अपना एक इक्वेशन यहाँ तक क्लियर होता है, यहाँ तक आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है, ये विश्रांति काल क्या चीज है, अब देखना इसको अच्छे से समझना, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, टक्कर करता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे तीसरे से, तो यहां से यहां तक का tau1, वहां से वहां तक का tau3, ऐसे करके बहुत सारा टाइम हो जाता है, उन सभी टाइम को जोड़ के जितनी भी टक्कर होती है उनकी संख्या का क्या कर देते हैं, उसमें भाग दे देते हैं, मतलब कितनी बार ये पत हुआ उसका भाग दे देते हैं, तो एक अपन को एवरेज टाइम निकल के आता है और उसी को कहते हैं औसत विश्रांति काल, इसकी भी चर्चा अपन डेफिनेशन के तौर पर अलग से वो लिखा दूंगा, तो फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको tau माना इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, तो यहाँ तक क्लियर सभी को, तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, तो जितने भी बच्चे हैं पहले इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले ताकि इसके आगे की ओर बढ़े। फिर चलो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 5 से आगे होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, अब आपको पता है यहाँ जो कंडक्टर है मतलब धात्विक तार है वो एक वी वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जाहिर सी बात है वी वोल्ट की बैटरी से जुड़ेंगे तो एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, इस विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन के मध्य, क्योंकि यहाँ पर विपरीत इलेक्ट्रॉन भी चार्ज अलग होता है, विद्युत क्षेत्र एक विशेष डायरेक्शन में होता है, तो ये क्या होता है एक फोर्स जनरेट करता है, और इस विद्युत क्षेत्र में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई भी चार्ज रखा जाएगा तो एक फोर्स वो लगेगा, ये अपने स्टार्टिंग वाले चैप्टर का एक हिस्सा है, तो वहां पर जो फोर्स का हिस्सा होता है वो क्या होता है बराबर QE होता है, बराबर क्या होता है QE होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाला किसी भी आवेशित कण पर बल कहा जाता है इसको, तो यहाँ पर अपना वो क्या है इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ चालक में तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन की चर्चा करने के लिए, तो जहां पे q बराबर n ही होता है, मैं यहाँ पर n को फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ, केवल e ले रहा हूँ पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव ले रहा हूँ, क्योंकि आपने पूरी जो चीज लिखी है डेरिवेशन है वो वेक्टर फॉर्म में लिखी है, सदिश में लिखा है, अगर मैं इसको अदिश में लेता तो यहाँ पर मुझे माइनस को लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ आपने पूरा का पूरा प्रोसेस सदिश में लिया है इसलिए यहाँ पर चीज किसमें लेना है माइनस में लेना है, तो सभी को पता है बराबर क्या होता है QE होता है, वेक्टर फॉर्म में लगा है, क्यू की जगह मैंने क्या किया माइनस का ही, तो ये फोर्स तो ये हो गया, एक फोर्स मैकेनिक्स वाले प्रोसेस से आता है, जब द्रव्यमान और त्वरण अवेलेबल होगा तो वो तो गति का प्रथम द्वितीय नियम है क्या, F बराबर MA होता है,
तो वो तो यहाँ पर अवेलेबल होगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना वजन होता है और यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना क्या है, त्वरण है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, MA। तो ये दोनों जो फोर्स है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, जब कोरिलेटेड होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट, जब ये बैलेंस होगा तभी वो यहाँ पर क्या रहेगा, बैलेंस मतलब वो वर्क डन करेगा। तो कहने का मतलब संतुलन की स्थिति में दोनों फोर्सों को आपस में क्या होना पड़ेगा, इक्विवेलेंट होना पड़ेगा, मतलब टोटल जीरो हो जाएगा। अगर ये अंदर लेके करेंगे तो टोटल जीरो आएगा। तो F1 और F2 आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये बैलेंस पॉइंट हो गया। तो ये वाले दोनों फोर्स को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे और यहाँ से A की वैल्यू को क्या कर लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। तो आप जानना अच्छे से, इसको नोट करें, अच्छे से समझें इसको। यहाँ से आपने एक एक चीज का ध्यान रखना, मैंने वेक्टर कहा लगाया इसका ध्यान रखना, जितने भी ये जो सदिश राशि है उस पर सदिश लगाना जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा फॉर्मेट में आपको सदिश रूप में बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से अपने किसकी वैल्यू निकाल लिया, ए। अभी थोड़ी देर पहले अपने एक इक्वेशन छोड़े थे, इक्वेशन नंबर 5, और उसमें ए की वैल्यू को रखना जरूरी है, क्योंकि वहां पर ए थोड़ा सा मिसिंग था। जैसे कि अपना इक्वेशन नंबर 5 क्या था, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है 5 में, समीकरण 5 में ए की वैल्यू रखने पर, और वो 5 क्या था, VD बराबर A tau। यहीं पर अपने डेरिवेशन को यहाँ पर छोड़ा था, इससे आगे ये डेरिवेशन। अब A की वैल्यू को यहाँ पर क्या करना है, आपको पुट करना है, वो वैल्यू क्या है, माइनस का E कैपिटल E अपॉन में है। ये वैल्यू अपने यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, tau अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा रहेगा। अब समझिए, जैसे आपने देखा होगा इस पर, देखो कितना सारा सिस्टम आ गया, ये वेक्टर का ध्यान रखना, जैसे वो ध्यान रखना, एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली बात है, वो है माइनस। और शुरू में हमने डायग्राम पर बनाया था, तब भी जो आपका डायग्राम भी साफ साफ दिख रहा है कि अफन वेग और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। और यह डेरिवेशन भी कहती है कि यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है, कि ये वाला मतलब अफन वेग, ये वाला मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। मतलब जो अपने थ्योरी में पढ़ा था वो यहाँ डेरिवेशन में आकर यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब क्या होता है कि जब न्यूमेरिकल करने बैठते हैं ना, तो ये वेक्टर सेक्टर का इनका कोई जरूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट अदिश फॉर्मेट याद रखना है। और वो अदिश रूप में देखिए क्या, मैंने ये सारी चीजें हटा दिया और नॉर्मल इक्वेशन लिख दिया, ई कैपिटल ई एन अपॉन टाउ, ये याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको क्या करेगा, आगे न्यूमेरिकल में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जो कंपटीशन है उसमें तो ये काफी है, लेकिन बोर्ड क्लासेस को ये डेरिवेशन करके दिखानी पड़ती है और इन पर इसको मार्क्स मिलते हैं। तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा, ई कैपिटल ई अपॉन में एफ और टाउ। ई क्या है सबको पता है, विद्युत क्षेत्र होता है, वोल्ट पर मीटर में मापा जाएगा, ठीक है। और एम जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, द्रव्यमान है, केजी में मापा जाएगा। और टाउ यहाँ पर विश्रांति काल है, मतलब औसत समय है, राइट, टक्कर के दौरान। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वाला जो अफन वेग है, जो डेरिवेशन है अफन वेग और विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर अपना जो टॉपिक था वो ये क्या था, अफन वेग और विद्युत क्षेत्र। तो ये हुआ अफन वेग और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोरिलेशन। और आपसे एग्जैक्ट पूछे कि क्या रिलेशन आया, तो वो रिलेशन ये आया कि अफन वेग और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा एक दूसरे की अपन वेग बढ़ेगा, तो ये चीज मतलब अपन विद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे तो अपन वेग का मान भी क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। तो जितना मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो उम्मीद करता हूं ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ध्यान अगले डेरिवेशन की ओर तब जाए, इसलिए पहले ये जरूरी है कि आप इस डेरिवेशन को अच्छे से समझे। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वाला जो हिस्सा है, पहले आप दोनों स्लाइड के अंदर आप दोनों को पेन कॉपी में उतारें और फिर अच्छे से इसको समझे, ताकि अगले वाले पार्ट आप आसान है, क्योंकि यही है जो क्रिटिकल पार्ट था जो आपने अच्छे से समझ लिया। तो आप इसको अपनी कॉपी में क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। आज का अपना अगला टॉपिक है गतिशीलता, जिसको लिखा जाता है म्यू से। ध्यान रखना अफन वेग और गतिशीलता का बड़ा कोरिलेशन है, मतलब अच्छा संबंध है, और ये आपको याद में रखना है। पहले इसके डेफिनेशन की चर्चा करते हैं और फिर इसके बारे में दोनों के रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मतलब जो लास्ट डेरिवेशन में आपने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, अफन वेग की परिभाषा से ये डेरिवेशन आपने प्रूव किया था। अफन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में एम, राइट। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ E मतलब जो कि 1.6 × 10⁻¹⁹, और M जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है, वो आपको पता है कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। साथ ही किसी धात्विक चालक के लिए, ठीक है, धात्विक चालक मतलब तांबे के लिए अलग होगा, जस्ते के लिए अलग होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एक धातु के लिए, ठीक है, तो टाउ की वैल्यू भी क्या रहती है, नियत रहती है। हाँ, अलग अलग के लिए ये अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिलहाल एक धातु के लिए इसको क्या मान लिया जाए, नियत मान लिया जाए। तो बताइए अपन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच में क्या रिलेशन हुआ, दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब जैसे ही आप समानुपाती है इसको हटाओगे तो यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक आएगा। इसी समानुपाती नियतांक को क्या कहेंगे, मोबिलिटी के तौर पर गतिशीलता,
यहाँ म्यू ए क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, जो कि आवेश वाहक कणों की गतिशीलता है। आवेश वाहक कण मतलब क्या हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्पीड, मतलब कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनों की एक स्पीड को ही मेजरमेंट के तौर पर मापा जाता है। तो यहाँ पर आवेश वाहक कणों की क्या है, गतिशीलता है। इस हिसाब से अगर अपन इसकी डेफिनेशन तैयार करें, परिभाषा तैयार करें कि ये क्या है, तो म्यू बराबर क्या हुआ, वीडी अपॉन में क्या हो गया, ई, और वीडी को क्या लिखेंगे अपन, अपॉन में, राइट, और ई यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई कि अपॉन वेग और विद्युत क्षेत्र के रेशियो को, अनुपात को क्या कहा जाता है, गतिशीलता कहा जाता है। साथ ही इसका मात्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, और इसकी डायमेंशन मतलब वीमा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीमा मुझे कमेंट सेक्शन में निकाल के बताना कि कैसे निकालते हैं, आप उसका आंसर देना, मात्रक में बताता हूँ ताकि वीमा आप आसानी से निकाल पाए। तो क्या होता है कि अपन वेग तो नॉर्मल होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, और विद्युत क्षेत्र वोल्ट पर मीटर में मापा जाता है, ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर में, तो मीटर का अंतर लग गया ऊपर और नीचे वोल्ट, और ये क्या आ गया सेकंड, तो नीचे क्या हो गया वोल्ट इनटू सेकंड हो गया। अब आप इसे आधार पर आप इसकी बीमा खुद बना के देखेंगे, तो इसका ऐसा ही मात्रक एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, तो वो क्या है, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनटू सेकंड होता है। तो आप इसका थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। साथ ही ये इसका मान पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, ये भी आप अच्छे से क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। तो इसका मेन क्या होता है कि ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है, और दूसरा टेम्परेचर के बदलने पर इसकी वैल्यू क्या कर सकती है, बदल सकती है, वो तो अपन वेग के भी बदलती है। तो इसका मतलब अपन वेग और गतिशीलता दोनों के एक दूसरे के बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, बढ़ेंगे, और ये इसमें से रिलेशनशिप है, क्योंकि ये देखिए आपका दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। दूसरी है, अगर विद्युत क्षेत्र को किसी टाइम के लिए अपन कांस्टेंट माने, मान लीजिए दो अलग अलग कंडीशन से अगर अपन माने इसको कंपेयर करवाएं गतिशीलता को, ठीक है, तो दो अलग अलग चालक तारों पे गतिशील इसको अपन तुलना करवाएं और ये बोल दें कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, नियत है, तब अपन उसकी वैल्यू को कैसे लिखेंगे बताओ। अगर ये नियत है तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो गए, अगर ये नियत है तो फिर क्या हो जाएगा, अपन वेग वी वन वी टू अपन में क्या हो जाएगा, म्यू वन अपॉन म्यू टू, देखिएगा, राइट। तो दो अगर विद्युत क्षेत्र के मान को नियत कर दिया जाए और दो के लिए तुलनात्मक आपसे क्वेश्चन पूछे, तो ये वाला ध्यान रखना, इसे ज्यादा इसमें कोई कुछ नहीं पूछा जाता, बस इतना ध्यान रखना कि गतिशीलता और अपन वेग एक दूसरे में क्या कोरिलेशन होता है, वो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपन वेग और गतिशीलता एक दूसरे की क्या है, समानुपाती है, एक दूसरे की क्या है, समानुपाती है, मतलब कि तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या करेगी, उसके साथ समानुपाती के रूप में बढ़ेगी। उम्मीद करता हूं ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आज का अपना अगला टॉपिक है अपन वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध। कहा जाता है कि कक्षा 12 का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक रिलेशनशिप के आधार पर सबसे इंपोर्टेंट माना जाता है, और हाँ इसको क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है ये अगले टॉपिक आपको बता देंगे, क्योंकि ये अकेला एक ऐसा टॉपिक है जो काफी ज्यादा रिलेशन क्रिएट करता है, यानी इस फॉर्मूले के आधार पर अपन अन्य संबंध भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट की सीरीज में आता है। तो ये क्या होता है, इसके लिए अपन आज की डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है अपना अपन वेग को लेकर, तो अपन वेग अगर क्लियर है आपका तो इस टॉपिक में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। देख सबसे पहले बात करते हैं कि इसके डायग्राम को लेकर, सबसे पहले आपको ये मतलब परिपथ चित्र बनाना है जो कि अपन वेग को बेस रखना है। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, एक चालक है, जब वो चालक को वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, किस वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे एक विशेष डायरेक्शन पकड़ के रवाना हो जाएंगे, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर क्या करेंगे चलने लगेंगे। ध्यान रखना टक्कर जरूर होगी लेकिन फिर भी एक सिरे से किधर की ओर पहुंच जाएंगे, दूसरे सिरे की ओर, मतलब पॉजिटिव वाले टर्मिनल की ओर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये बुध नेगेटिव होता है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव की ओर तो जाने का सवाल ही नहीं है। तो ये जिस वेग से जाते हैं, एक का वेग नहीं सभी का वेग, और उन सबका औसत, उन्हीं औसत वेग को क्या कहा जाता है, अपन वेग कहा जाता है, जो कि माइनस सिरे से किधर होगा, प्लस सिरे की ओर होगा। जाहिर सी बात है विद्युत क्षेत्र जो कि इसके क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर, जो कि डायरेक्शन क्या रखेगा, इसके जस्ट अपन वेग के क्या होगा, अपोजिट होगा। ये थ्योरी में भी आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि अपन वेग और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली क्या होते हैं, यानी डायरेक्शन के आधार पर इनवर्सली होते हैं, वैसे समानुपाती होते हैं लेकिन दिशा एक दूसरे की क्या होती है, दिशा एक दूसरे के मान की विक्रमानुपाती बोलते हैं या विपरीत होती है, एक ही बात है, विपरीत होती है। फिर बात करें आगे दूसरी वाली इसकी डेरिवेशन की तक पहुंचने के लिए, तो कुछ चीजें अपन को माननी पड़ेगी। एक तो है इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई को अपन क्या मानेंगे, एल,
लंबाई को क्या मानेंगे एल, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो इसका एरिया है, ठीक है, जैसे मेरे बाप ने ये चीज दे रखी है, तो इसका अगर मैं आपसे एरिया पूछू तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, आगे वाला हिस्सा, तो ये उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अपन इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना मान लिया, ए मान लिया। अब इंपोर्टेंट बात, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, फिलहाल उसके लिए आपको छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। मतलब एक कहा जाता है कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि अपनी इंडिया की पॉपुलेशन निकाली है, तो जैसे बात है ऐसे तो है नहीं कि एक फॉर्मूले में रख के निकाल दिया, हर चीज का काउंट हुआ है, हर एक एरिया के लिए निकाला गया, हर एक क्षेत्रफल के आधार पर निकाला गया, इकाई क्षेत्रफल के आधार पर निकाला गया। जिस प्रकार से 121 करोड़ जनसंख्या थी अपने जो कि 2011 की जनगणना में, तो वहां पर जब उसकी डेंसिटी निकाली गई, घनत्व, ठीक है, घनत्व निकाला गया, तो लगभग 384 व्यक्ति एक किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब जो क्षेत्रफल होता है वो किलोमीटर स्क्वायर में होता है, यानी एक किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, 384। मतलब बड़ी वाली आबादी को आपने एक किलोमीटर में तोड़ दिया, उसी को कहते हैं घनत्व, उसी को कहते हैं प्रतिकाया क्षेत्रफल या प्रतिकाय आयतन। ध्यान रखना घनत्व एक ऐसी चीज है जिसको आप लंबाई के आधार पर बांट सकते हो, क्षेत्रफल के आधार पर बांट सकते हो, और आयतन के आधार पर भी बांट सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है कि आप उनको पूरे इलेक्ट्रॉन मेजरमेंट एक साथ नहीं कर सकते, तो उसको टुकड़ों में बांटेंगे। तो ध्यान रखना उसी के लिए बड़ा है प्रति इकाई आयतन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी पूरा आयतन का एक साथ में मेजरमेंट करके, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो एक साथ में करके, इसका एक मीटर क्यूब आयतन का एक हिस्सा, एक मीटर क्यूब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो माप लो, और टोटल आयतन में से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। यानी कहने का मतलब इकाई, यहाँ प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो किससे लिखेंगे, स्मॉल एन। उसका सूत्र क्या होगा, कैपिटल एन अपॉन में वी। इसका मतलब समझना मत, ये फॉर्मूला रखना नहीं है, इसका समझना क्या है कि इकाई आयतन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही इसका मान मापन होगा, स्मॉल एन, और इसको कैपिटल एन निकालेंगे, तो ध्यान एक एक आयतन में, इकाई आयतन में एन को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, तो कैपिटल एन तक पहुंच सकते हैं। मेरी बात को वापस रिपीट करना, समझना उसको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये चीजें इसमें, बाकी और सब नॉर्मल है, यही एक ऐसा है कि आपको इसको पकड़ना है ताकि ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा वाला हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा है, ये मान लीजिए कंडक्टर है, उसको मैं एक मीटर क्यूब में तोड़ दूं, ठीक है, इसको एक मीटर क्यूब में ऐसे तोड़ दूं, तो बताओ ये वॉल्यूम हुआ, ये मीटर क्यूब का मतलब आयतन हो गया। अब इसमें कितने n1, इसमें कितने n2, राइट, अब आपको तो सेम मानेंगे, तो n n, इसी प्रकार एक मीटर क्यूब इसमें n, फिर इसमें एक मीटर क्यूब इसमें n, तो ये जितने भी n है, ठीक है, इन सबको क्या कर दे, या तो ऐड कर ले, या एक आयतन को n से गुणा कर दे, तो टोटल क्या आ जाएगा अपने पास, कुल इलेक्ट्रॉनों की क्या जाएगी, संख्या आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है। अब बात करते हैं डेरिवेशन की ओर। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के बारे में लिखोगे कि इसकी लंबाई L है, ठीक है, क्षेत्रफल A है, अपवन वेग VD है, विद्युत क्षेत्र E है, राइट, इतनी सी बात लिखना है, कुछ नहीं करना है। फिर यहां से स्टार्ट करना है, चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, मान लीजिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैपिटल N है, तो आवेश क्या होगा। सबसे पहले अपन आवेश की बात करेंगे, तो Q बराबर क्या होता है, एन ई होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, Q बराबर एन ई। अब एन यहां पर क्या है, बड़ा वाला एन माना है मैंने, टोटल माना है, तो Q बराबर एन ई, नॉर्मल फॉर्मूला ये, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे। अब अपना टोटल चार्ज तक पहुंचने के लिए, अब आप E का तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो क्वांटा है, फिक्स वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹, लेकिन आप n को खोल सकते हैं। और n मैंने कैसे बताया था, n कैपिटल n को कैसे निकालोगे, n भी आएगा नहीं आएगा बताओ, स्मॉल n इनटू v, मतलब भारत की पूरी जनसंख्या निकालना है तो एक का निकालो और फिर उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। हाँ, ऐसा नहीं होता वहां पर, लेकिन इस तरीके से अपन, यानी वो कहते हैं ना कि बड़ी चीज तक पहुंचना है तो छोटी क्या आना चाहिए, छोटा आएगा तो अपन गुणा करके डायरेक्ट बड़ी वाली चीज तक आसानी से पहुंच जाएगी। यानी मान लीजिए अपने पास 1000 केले है और उसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक का तो आना चाहिए ना, एक का आएगा तो अपन 1000 का आसानी से निकाल लेंगे। सेम चीज है यहाँ पर, तो यहाँ यदि प्रति एकांक आयतन पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति इकाई आयतन पर यह आयतन है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, स्मॉल एन हो, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो कुल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एन इंटू बी होगा, स्मॉल एन इंटू वी, स्मॉल एन यहाँ पर फिक्स वैल्यू हो गई, और आयतन यहाँ पर जो भी कंडक्टर है, चाहे वो बेलनाकार आकृति का हो या किसी भी प्रकार की आकृति का हो, उसका आपको आयतन निकालना आना चाहिए, वो 10th क्लास का बेस है कि अपन आयतन कैसे निकाल सकते हैं। तो फिलहाल क्या लिखा मैंने, कैपिटल एन बराबर क्या लिखा, एन इंटू बी, एन इंटू वी,
तो एन क्या हो गया, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल सकते हैं। और यहां पर क्या हो गया, वी क्या हो गया, आयतन। फिलहाल इस चालक को एक नॉर्मल चीज, नॉर्मल बेलनाकार मानते हुए मैंने इसको ओपन कर रहा हूं। तो अगर आयतन को ओपन करें तो आयतन को क्या लिख सकता हूं मैं, क्षेत्रफल इनटू लंबाई लिख सकता हूं, क्षेत्रफल इनटू लंबाई लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए इंटू एल। तो मुझे बताइए क्या बढ़ा है, एन बराबर क्या बढ़ा, स्मॉल है जो जैसा है वैसा। इस वी की जगह क्या लिख दिया, ए इंटू एल, एरिया इंटू एल, वॉल्यूम होता है। जैसे कैसे पता लगाया, इसको मापन करो मीटर स्क्वायर और ये मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर, मीटर क्यूब, बताओ आयतन बनाने का। तो मतलब हाँ, ये चालक बेलनाकार है, वो जैसे आप मान लीजिए कोई कैसे आकृति का है, कोई कैसे स्क्वायर है, कोई मान लीजिए कि एकदम रेक्टेंगुलर है या ट्रायंगल है, वो उसके आधार पर अपन निकाल सकते हैं। तो वहां पर अपन को आईटी में काम आते ही चीजें। तो फिलहाल तो ये करना है, एन बराबर एन ए एल फॉर्मूला हो गया है। अब ये की ये वैल्यू आप उठाकर किस में रखोगे, समय के नंबर एक में रखोगे। इस पूरी वैल्यू को उठाकर इस एन की जगह पुट कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा। नॉर्मल सी इक्वेशन है, केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना, और कहीं नहीं है क्यू बराबर है नहीं एन बराबर है, दोनों के लिए क्या था। चले अगले पार्ट की ओर। अब देखिए इस वैल्यू को याद रख दीजिए, तो क्यू बराबर है नहीं, क्यू बराबर है नहीं, ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या बनेगा, एन ए एल ई, देखो एन की जगह रख दिया। अब क्या होता है कि ये थोड़ा सा एग्जाम में यहाँ के बच्चे भूल भी जाते हैं, राइट, क्योंकि कोई कंप्यूटर तो है नहीं, भूल भी सकते हैं, तो थोड़ा सा हिंट याद करते हैं। मैं इस पूरे फॉर्मूले को थोड़ा सा कोडिंग में लिख दिया एल, देखिए ये आगे पीछे लिखे हुए इनको मैंने सही लिख दिया ए, वही चीज है, ताकि अपन को एग्जाम में याद आ जाए कि हाँ अपन को एल एन था यहाँ पर। हालांकि वो कंप्यूटर कोटा वाला कोई स्टूडेंट वो डबल एल एल एन में, उसमें डबल एल आता है, उससे एल एन में मत जाना, हाँ तो अपने एल एन में आना। तो क्यों बराबर क्या होता है, ए एल ई एल, ताकि आपको याद जाए एलन, अपना चार्ज आएगा एलन, ताकि यहाँ कोई अगर मिसमैच हो जाए, यहाँ गलती हो जाए, तो अपन को वहां चेकअप यहाँ चेक करने का ऑप्शन मिल जाए कि हाँ अपन को एलन लाना था, आदेश का मान एलन आएगा और एग्जाम में भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आवेश कितना आया, ए एल ई एल मतलब एलन। अब बात करते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट में, क्या कहता है, इस चालक की जो इलेक्ट्रॉन है इसको इस सिरे से इस सिरे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम मेजरमेंट करना है। मैं नॉर्मल सिक्वेशन बताता हूँ, जैसे क्रिटिकल है, लेकिन आपको नॉर्मल तरीके से निकाल के लेके जाता हूँ ताकि आसानी से याद हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए एक तो टाइम तो लगेगी, गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी तो टाइम तो लेगी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा तो समय तो लगेगा। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ दूरी क्या होगी बताओ, दूरी तो चालक की लंबाई होगी ना, यहाँ से यहाँ तक मान, आप छोटा मान के भी मान सकते हो, अल्पांश लेके भी, फिलहाल हम लोग पूरा ही मान लेते हैं। तो दूरी, दूरी अपन चाल, दूरी क्या होगी, चालक की चाल। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग, इलेक्ट्रॉनों का क्या है, अपवन वेग, राइट, ये चीज है। तो यहाँ पर देखो चाल को मैंने क्या लिख दिया, अपवन वेग। अब देखिए टी बराबर एल अपॉन वी डी, टी बराबर एल अपॉन वी डी। अब मुझे बताइए समय को टी, एल चालक की लंबाई, vd क्या है यहाँ पर, डेल्टा वेलोसिटी मतलब अपवन वेग, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, पहला आपको आवेश याद रखना है ln, और दूसरा टाइम याद रखना है, वो क्या होगा ln अपॉन vd, राइट, ये दोनों चीजें। अब अपना काम क्लियर, क्योंकि अपना आगे मेन फाइनल राउंड पर, वो है अपना विद्युत धारा की परिभाषा से। अब ये कैसे याद रखेगा कि कौन सा, आपको देखो ये प्रोसीजर याद रखना है कि पहले क्या निकालना है, फिर अगला स्टेप क्या करना है, तभी तो अपना अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो फिर क्या है, विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा ये तो डायरेक्ट क्लास का फॉर्मूला है, क्या होता है I बराबर Q बटा T, I बराबर क्या होता है Q बटा T, बताओ Q क्या था, Ln, Q क्या था Ln। ये देखिए ए एल ई एल, क्यू की जगह क्या रख दिया मैंने, ए एल ई एल, और टी की जगह क्या रख दिया, एल अपॉन वी डी, एल अपॉन वी डी। मुझे बताइए इस एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वी डी कहाँ गया, ऊपर क्या बना, ए ई एल वी डी। क्लियर एक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स में, मतलब इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिलेशन क्रिएट करेगा ये वाला, और आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए, ताकि मैं आपको अपवन वेग की डेफिनेशन देने में, अपवन वेग की निर्भरता बताने में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आई बराबर ए ई एन वी डी, आई बराबर ए ई एन वी डी, 10 बार 15 बार रिपीट करते रहना, लिख लिख के याद करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए धारा और अपवन वेग में क्या कोरिलेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर संबंध क्या है, अपवन वेग और विद्युत धारा, तो ये अपवन वेग
यही कह रहा था, इसमें दो दो एक दूसरे के क्या आ गए, प्रोपोर्शनल हो गए, समानुपाती हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर अपन वेग बढ़ता है, अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बढ़ा लेते हैं, इलेक्ट्रिक स्पीड से चलते हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा तेजी से करेंगे तो धारा का मान उतना ही ज्यादा क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो अपन वेग बढ़ने से धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इन दोनों का आपको ग्राफ लेकर पूछे तो डायरेक्टली समानुपाती ग्राफ सीधा जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि अपन वेग वो धारा एक दूसरे की क्या होती है, समानुपाती है। उम्मीद करता हूँ ये दो ये रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बोर्ड क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है और अलग अलग तरीके से पूछा भी जाता है। और इसका न्यूमेरिकल तो नॉर्मल इस फॉर्मूले से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये डेरिवेशन आपको अच्छे से याद रखना है और जो कि हार्ड नहीं है। सबसे पहले एलन, फिर टाइम और आई बराबर क्यू बटा टी, और अपने पास फॉर्मूला आई बराबर ALENV VD वाला फॉर्मूला, और इसी से आप क्या करोगे अन्य फॉर्मूले पे आसानी से निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक, ये वाला रिलेशनशिप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। आज का अपना अगला टॉपिक है धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोरिलेशन। उस कड़ी में जो कि थोड़ी देर पहले अपन पढ़ रहे थे, अपन वेग और धारा के मध्य संबंध के बारे में, ना वो संबंध आएगा तब ये आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए धारा घनत्व जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, और विद्युत क्षेत्र को किसे करते हैं, ई से करते हैं। दोनों में क्या कोरिलेशन होता है वो आपको प्रूव करना है। ये तभी क्लियर कर पाओगे जब आपको एक फॉर्मूला पहले से आता है, कौन सा होगा, अपन वेग और धारा के मध्य संबंध से। अभी थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट क्लास में अपने ये पढ़ा था कि क्या I बराबर ALENVD वाला अपन वेग और इसमें धाराओं के मध्य संबंध वाला, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए ताकि आप इस डेरिवेशन को आसानी से कर सके। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ये वाला, राइट। यहीं से आपको क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है, स्टार्ट करना है। I बराबर ALENVD सभी को याद है, वो याद रखना भी पड़ेगा, ठीक है, इसके बिना कोई सोल्यूशन भी नहीं है। देखिए अब इसमें ऑप्शन और चीजें तो खुल नहीं सकती, अपन वेग को खोल सकते हैं। अपन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, E कैपिटल E टाउ और अपॉन में n, ये फॉर्मूला आपको अपन में जो कि अभी थोड़े पहले अपने पढ़ा था, तो VD बराबर E कैपिटल E टाउ अपॉन n। इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ रख दीजिए। तो जैसे आप ED की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, E कैपिटल E टाउ अपॉन में n। अब मुझे बताइए इसमें E को जो कि चेंज होने वाली चीज है उसको तो अपन बाहर निकाल देते हैं, जो फिक्स वैल्यू है उनको एक जगह रख देते हैं। तो जैसे आप फिक्स वैल्यू को एक जगह रखोगे तो क्या हो जाएगा, E स्क्वायर, ठीक है, एन और ये टाउ और एन, ये कांस्टेंट टर्म, ई को बाहर और ये अपनी जगह, ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक प्रकार की कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है, जिसको किससे लिखा जाता है, सिग्मा से लिखा जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसको क्या बोल देंगे अपन, सिग्मा, राइट। ये पूरे के पूरे इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, सिग्मा। अभी ये भी प्रूव करेंगे थोड़े बाद में, फिलहाल याद रखिए इसको। तो ये हो गया अपना सिग्मा और ई की जगह ए। अब अपने क्या करेंगे, ये यहाँ पर एक नई चीज और क्या है कि ए को नीचे उतारेंगे, इस आई के नीचे, आई के नीचे जैसे ए को लेके जाएंगे तो एक नई चीज और मिल के आएगी अपने पास है, वो है करंट डेंसिटी, मतलब धारा घनत्व, क्योंकि धारा घनत्व को रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे, और इसका फॉर्मूला होता है धारा अपॉन क्षेत्रफल, मतलब आई अपॉन ए, आई अपॉन ए वो क्या कहलाएगा, जे। तो अपन आई अपॉन ए कहां से आए, ये नीचे उतारा, आई अपॉन ए क्या बन गया, जे, सिग्मा की जगह सिग्मा, ई की जगह ई, और अपने पास एक रिलेशन क्या हुआ, जे बराबर क्या, सिग्मा ई, मतलब जे क्या है, जे क्या चीज है, धारा घनत्व है, सिग्मा क्या है, चालक का, और ई क्या है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र। तो कितना आसानी से क्लियर हुआ, जे बराबर क्या हो गया, सिग्मा ई, जे बराबर। लेकिन ध्यान रखना कहां से स्टार्ट करना है, अपन वेग और धारा के मध्य संबंध से। तो इसको अगर ये चीजें अपन को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इससे आप काफी ज्यादा फॉर्मूले बना सकते हैं। तो देखिए इससे ये बन गया। अगर फिर भी आपको ये चीज मान लीजिए समझ में नहीं आए, तो आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ, ओम का नियम तो आता ही है, दूसरा तरीका। अगर ये नहीं आए तब पढ़ना है, ये आ जाता तो अच्छी बात है, ये आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्लान बी, वो देखिए ओम के नियम करा लीजिए। अब ओम का नियम क्या कहता है, आपको सबको पता है, वी बराबर क्या होता है, ओम का नियम, वी बराबर क्या कहता है, आई आर कहता है, वी बराबर आई आर कहता है, और आर सबको पता है, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, रो, ठीक है, हर मटेरियल का, जितने भी तांबे की तार, जस्ते की तार, जितने भी मेटल होती है, उन सबका अलग अलग होता है, ए उसकी एक लंबाई होती है, एक उसका क्षेत्रफल होता है, यानी एल लंबाई, ए उसका क्षेत्रफल होता है। तो इस प्रकार से इस आर की वाली वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए,
अब कुछ नहीं करना, बस इधर उधर करना है और अपना आंसर खत्म। कैसे देख, क्या करना है कि इस जो एल है उसको नीचे लाइए, बी बटा बी बटा एल बना देना, इस आई को ए के नीचे कर दीजिए, आई को, क्योंकि आई ए क्या बनेगा अपने पास, जे बनेगा, नहीं बनेगा, धारा का मतलब है, और ये रो है उसको अब यहां रख दीजिए अपनी जगह पर रहने दीजिए। तो बी बटा एल क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र, क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र, और आई अपॉन ए क्या बनेगा, धारा का मतलब, ध्यान रखना इसमें भी तो आई अपॉन ए देखा वो चीज तो वहां पर भी मिलेगी, तो ये बन गया अपना धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी। अब बचा रो, और रो बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सिग्मा, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इस रो की जगह क्या रख दिया मैंने, 1 अपॉन सिग्मा, और ऐसे करते ही जे निकालूंगा तो जे बराबर क्या हुआ, सिग्मा ई, तो मतलब आया नहीं है। ओम के नियम से अपन इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, और इस नियम से अपन क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब ये नहीं पूछे कि भाई सर एग्जाम में कौन सा करके आए, आप वही सा भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध सत्यापित कीजिए, तो आप इस रास्ते भी आ सकते हैं और इस रास्ते भी आ सकते हैं, दोनों नहीं करके आने, कई एडवांस होते हैं कि मैं दोनों करके आ दूं, नहीं ऐसा नहीं करना है। और ये क्या करते हैं ये वाला, तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लें, अगर आपके पास ए फोर साइज का जो क्वेश्चन पेपर अपनी कॉपी नोट्स बनाए तो अपनी कॉपी है ना ए फोर साइज की, उसमें क्या है ये जो डेरिवेशन है ना वो ऐसे चलनी चाहिए बराबर बराबर, कहीं भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको 70% इससे पर तो ये डेरिवेशन करनी चाहिए, और जो 30% बचता है, ठीक है, यानी इतनी बड़ी कॉपी में इतने परसेंट तो डेरिवेशन होगी, जो 30% बचता है उसमें ये फॉर्मूले लिखने हैं जो आपने यहाँ काम में रखे हैं, यहाँ इनको यूज लिया है या इनकी वजह से ये डेरिवेशन सॉल्व हुई है, ऐसे आपको कॉपी में नोटेड करना है। ऐसा नहीं कई बच्चे क्या रहता है उनको आता है नहीं, वो रिप्रेजेंट नहीं करना जानते हैं, एक फॉर्मूला उधर जाता है एक इधर जाता है, टीचर की समझ में नहीं आता और वो आइडेंटिटी नहीं कर पाता और वो आपका इतना ही लगाता है काम करता काट देता है पेशेंट को, तो ऐसा नहीं करें, आपको आते हुए ये चीजें लिखोगे आपको खुद को भी याद होगी और टीचर को भी आसानी से वो अंडरस्टूड होगा। तो उम्मीद करता हूँ धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलो बच्चों आज का अपना अगला टॉपिक है ओम के नियम को लेकर है, और यानी ओम का जो नियम कहता है बी बराबर आई आर उसको प्रूव करना है, राइट। तो ओम के नियम का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ओम के नियम को सत्यापित कीजिए या ओम के व्यापक नियम को समझाइए, या ऐसे भी बोल सकता है विवाद और धारा के मध्य संबंध सत्यापित कीजिए। तो जाहिर सी बात है ये संबंध तभी क्लियर कर पाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था क्या अपन वेग और धारा के मध्य संबंध के बारे में पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसी के बेसिस पर आप अपने आंसर तक क्या कर जाएंगे आसानी से पहुंच जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, क्या है अपन वेग और धारा के मध्य संबंध से स्टार्ट करते हैं, और जो की रिलेशन क्या लेके आना है ओम के नियम, मतलब बी बराबर आई आर अपन को प्रूव करना है, जबकि टेंथ में डायरेक्ट पढ़ते थे बी बराबर आई आर, वो डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, आया कहां से इसके बारे में जानना है। तो देखिए अपन वेग और धारा के मध्य संबंध, और ये चीजें अपने पहले से पढ़ लिया है कि अपन वेग और धारा के मध्य कहां जाता है वो संबंध, और वो ये है अपने सामने आई बराबर ए ई एन बी डी, ये खुद भी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला खुद भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है तो आगे की जो रिलेशनशिप है वो आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगी। देखिए आई बराबर ए ई एन बी डी, राइट, आप इसको 10-5 बार बोले न्यूमेरिकल के दौरान आपको काफी हेल्प करेगा ये। ए ई एन तो फिक्स है, आप ओपन नहीं कर सकते क्योंकि एरिया जरूर बदल सकता है, लेकिन वो अगर शेप बदलता है तो अगर आकृति बदलती है बाकी चीजें फिक्स है, लेकिन अपन वेग का फॉर्मूला होता है अपना खुद एक अपना एक यहाँ पर फॉर्मूला लेके बैठा है, तो अपन वेग का फॉर्मूला क्या कहता है, बी डी बराबर ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में एन। यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एक क्वांटम का मान होता है, ठीक है, ई जो होता है कैपिटल विद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पर, और टाउ यहाँ पर विश्रांति का, जितने भी इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं उनका औसत समय होता है टाउ, राइट, यहाँ पर टाउ को टाउ जी में समझ लेना, आपके बच्चे क्लास दौरान ऑफलाइन क्लासेस में इसका बोलने में उल्टा बोलते हैं, जो 11th क्लास के बच्चे आते हैं ना तो उनको टाउ बोला जाता है तो वो सोचते हैं सर ने वो टाउ जी बोल दिए, दिखता है वो धीरे धीरे समझ में आता है उन बच्चों को, तो जैसे बात है ऑनलाइन क्लासेस में ये चीजें देखने को तो नहीं मिलती, लेकिन ऑफलाइन में ये बच्चे जब भी इसका नाम लेते हैं ना तो आते हैं बच्चे जिनको थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो तो बच्चा ताऊ जी बोलेगा इसको ताऊ जी, लेकिन जो भी बोले उसको फीलिंग अच्छा होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट इस बात है, ठीक है, और चीजों में आपको इसमें मजाक बनाए, पर टाउ यहाँ पर जो है वो एक औसत समय होगा, आप अच्छे से इसका ध्यान रखें। और एन क्या है, इलेक्ट्रॉन का वजन है जो कि क्या है फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, इस प्रकार ये वैल्यू यहाँ पर आप क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे बीडी की जगह,
जैसे ही वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बाकी चीजों को अलग करेंगे। जैसे ई एन ई यहाँ पर डबल है तो ई स्क्वायर और एन टाउ अपन इसको कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, ए और ई को अपन को यहाँ से अलग अलग कर लेना है ताकि अपन को एक और चीज मिल जाए। ये वाली चीज जो होती है ना वो सिग्मा होती है, यानी कंडक्टिविटी, मतलब जो कि जो अपने काम में लिया जाता है जो धातु का लिया है उसकी खुद की अपनी है चालकता होती है, तो इसको किसे लिखा जाता है सिग्मा से। तो इसको यहाँ पर क्या लिख देंगे सिग्मा लिख देंगे, राइट। तो इस वाली वैल्यू को देखो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया इसमें सिग्मा। यार मैं डेरिवेशन लिख लिख के भी समझा देता, ये पहले इसलिए लिखा है ताकि आपको नोट्स उठाने में दिक्कत नहीं है, ताकि आप स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि मैं अगर ऐसे समझाऊंगा तो आगे पीछे हो जाएगा और वो चीजें कोई चीजें मिटाने की होती है, वो चीजें फिर मैंने यहाँ पर आप लोगों के समय बचाने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में समय का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है और आप लोगों का ऑनलाइन में मतलब समय खराब नहीं हो इसलिए पहले यहाँ पर राइट किया हुआ है, राइट। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से कॉपी में उतारे और एक बार मेरे साथ मतलब समझे और उसके बाद में अच्छे से में प्रैक्टिस करें, मैं गारंटी लेता हूँ एक दो बार आप अगर आप में अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और एक दूसरे को बताने लग जाओगे तो ये कभी भी आपके दिमाग से आउट नहीं होगा। लगता जरूर है थोड़ा क्रिटिकल बहुत आसान है, लेकिन देख के छोड़ दिया तो फिर जाहिर सी बात है तब भी लगेगा, हाथ से लगाओगे तो करके देखोगे तो ऐसा लगेगा वास्तव में कुछ नहीं है। देखिए यहाँ इसकी वैल्यू सिग्मा रख दिया, अब यहाँ पर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला बोलेगा ई बराबर क्या होता है बी बटा एल, जो कि इसका यूनिट भी होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, इसी भी होता है इसका फॉर्मूला होता है बी बटा एल, इसकी भी चर्चा अपन पहले चैप्टर के अंदर करेंगे। तो ई बराबर बी बटा एल, अब ई की जगह बी बटा एल रखोगे तो ये वाला मैंने यहाँ तक आ गया होगा समझ। अब अपना ओम का नियम क्या कहता है बी बराबर आई एल, मतलब पहले बी बाद में आई, अब बी इधर हो गया तो अपन क्या कर देते हैं क्रॉस गुणा कर देते हैं, जैसे क्रॉस गुणा करोगे तो ए सिग्मा बी राइट और ए एल राइट, यहां तक आगे समझ में क्रॉस गुणा कर दिया। अब अपन को एक तो बी चाहिए एक आई चाहिए, उनको बचाओ बाकी एक तरफ करो, एक बी चाहिए इनको बचाओ बाकी को इधर लाओ, तो ए और सिग्मा को नीचे लाओ, जैसे आप नीचे लाओगे तो क्या आ जाएगा देखो जो आई है वो बचाना है ये अधिक आई और जो एल है इस ए को नीचे लेके आओ तो एल बटा ए। अब देखिए ये सिग्मा नीचे जाएगा तो क्या लिखूंगा इसको वन अपॉन सिग्मा लिखा, ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि ये भी ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। देखिए कैसे वन अपॉन सिग्मा क्या कहलाता है रो कहलाता है, वन अपॉन सिग्मा क्या कहलाता है रो कहलाता है, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया रो लिख दिया, तो क्या होना रो एल अपॉन ए हुआ नहीं बताओ, और आई की जगह आई, मैं बी और आई को बचा के चलूंगा क्योंकि वो तो मुझे प्रूफ करना है राइट। अब ये मुझे बताओ ये क्या चीज है R है मतलब ओम वाला आपको पता है R बराबर क्या होता है रो एल अपॉन ए, तो ये कांस्टेंट टर्म क्या हो गई R हो गया, इसकी जगह मैंने R प्रूव किया और अपना आंसर खत्म हुआ, यानी ये तो हो गया नियतांक। तो B और I में क्या संबंध हुआ एक दूसरे के समानुपाती, इसका मतलब है जितनी ज्यादा आप वोल्ट की बैटरी लगाओगे कंडक्टर पर चालक पर उतनी उसमें क्या बढ़ती चली जाएगी धारा का मान क्या करता जाएगा बढ़ता चला जाएगा, दोनों एक दूसरे के क्या है समानुपाती। इसीलिए 10th क्लास में या सीनियर क्लास में लिखा जाता है कि विभवांतर ओम के नियम के अनुसार विभवांतर का मान धारा के क्या होता है समानुपाती होता है, और वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये चीज अपन करते ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो आया कैसे, तो बी समानुपाती आई कैसे हुआ, तो वहां से आपको रिपीट करना है आई बराबर ए एन बी डी से, और इस डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप करते चले जाना है। बहुत आसान है बहुत आसान है, एक बार दो बार आप लिख लिख के देखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ओम का नियम तो बी बराबर आई आर होता ही होता है, लेकिन वो आया कहां से इसको समझने के लिए आपको स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा आई बराबर ए एन बी डी। ध्यान रखना कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि पहले ये लाऊंगा, नहीं ये खुद डेरिवेशन है इसको नहीं लाना, यहीं से आपको क्या करना है स्टार्ट करना है, इसे पहले वाला आपको पार्ट को नहीं देखना है कि वो कहां से चालू करना है, यहां से चालू करो यहां क्लोजिंग करो। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलते हैं बच्चों आज के अगले टॉपिक की ओर जो कि रिलेशनशिप बताएगा कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के मध्य, यानी प्रतिरोधकता और चालकता के मध्य क्या बताएगा एक संबंध बताएगा कि क्या, और ये अपन सब जानते भी हैं कि एक दूसरे की क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन प्रूफ करके देना पड़ता है कि ये संबंध कहाँ से आया। जैसे कहते हैं कि प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे की क्या होती है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो आपको ये क्या करना होता है प्रूफ करके बताना पड़ता है, तभी बोर्ड क्लासेस क्या करता है इसको सही मानता है। तो देखते हैं आज की डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, और हाँ फिर वही बात
स्टार्ट वहीं से होगा जहां सबसे इंपोर्टेंट लिंक मैंने बताया था कि सबसे इंपोर्टेंट वाला संबंध है, वहीं से इसको चालू करना है, वो है अफर्मेटिव धारा के मध्य संबंध से। अफर्मेटिव धारा के मध्य का संबंध क्या होता है, आई बराबर ए ई एन बी डी, ए ई एन बी डी वाले फॉर्मूले से आपको इसको क्या करना है, चालू करना है। ज्यादातर संबंध इसी से स्टार्ट करना है, ठीक है, ताकि आप अपने, और हाँ इसके न्यूमेरिकल भी काफी अच्छे हैं और इससे डेरिवेशन भी काफी अच्छी सोल्व होती है, खुद भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको क्या करना, समझने की कोशिश करना, कोई हार्ड नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत जरूर है कैलकुलेशन वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगानी है और काम खत्म। देखिए आई बराबर ए एन बी डी, सबसे पहले वो काम वही जो अभी तक करते हैं, बीडी की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, बीडी जो कि ड्रिप वेलोसिटी या फन वेग क्या है, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर क्या रखना है, उनको बीडी की जगह रखना है। तो देखिए ऐसे कैसे वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब थोड़ा सा इसको क्या कर देंगे, सही ढंग से लिख देंगे, यानी e स्क्वायर जो डबल है वो स्क्वायर हो गया, इस फॉर्मेट में यहां से यहां तक, तो वही चीजें कोई चेंज नहीं किया। अब क्या करना है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो ओपन आउट होता है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, यानी विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो वी अपॉन में क्या होता है, एल होता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ई बराबर क्या रख दोगे आप, वी बटा एल, राइट, यहां तक वी बटा एल। अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए ए ई स्क्वायर एन टाउ बी, ठीक है, और ये आई एम एल, आई एम एल ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, तो एक दूसरे को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर क्रॉस गुणा कर दिया। ये नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अंदर, यहाँ एक ही चीज अभी तक इंपॉर्टेंट थी, ई बराबर बी बटा एल और एक अफर्मेटिव का फॉर्मूला पुटअप किया, इसके अलावा यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, अब अकेला अपन को देखो ओम के नियम के हिसाब से कंपेयर करवाने के लिए बी बराबर आई आर रखना है, यानी वी को अकेला रखना है, तो वी को अकेला रखना है तो बाकी चीजें नीचे आएंगी, तो ए ई स्क्वायर एन टाउ ए स्क्वायर एन टाउ ए सबको नीचे, आई एम एल, आई एम एल, राइट, ये चीज है, आई को सेपरेट बचा लिया, वी को सेपरेट बचा लिया, ताकि ओम के नियम से इसको कंपेयर कर सके। तो ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर आर आई, वी बराबर आर आई, अगर मैं इस यहां से कंपेयर करूं, यहां से क्या करूं कंपेयर करूं, तो मुझे बताओ आर की वैल्यू क्या मिली, एम एल ई स्क्वायर एन टाउ ए मिला नहीं मिला, या फिर आप ऐसे या तो कंपेयर कर दो बी से बी कैंसिल आई जाए कि इसका आर बराबर ही होगा, या फिर ये नहीं हुआ तो आप बताओ इस बी की जगह क्या रख दो, आर आई रख दो, बी बराबर क्या रख दो, आर आई रख दो। जैसे आप आर आई रखोगे तो मुझे बताओ आई से आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया, तो आर बराबर ही आएगा, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं तुलना करने पर आर की वैल्यू बताओ यही तो हुई, ठीक है, तो एम एल देखो यही तो लिखा, एम एल ई स्क्वायर एन टाउ, इस फॉर्मूले के आधार पर ही कहा जाता है, जो थ्योरी में दिखा जाता है कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता नहीं होता ये चीज है, और पदार्थ की प्रकृति पर भी वो निर्भर करता है, इसीलिए कहा जाता है तांबे का प्रतिरोध अलग होता है, चांदी के तार का प्रतिरोध अलग होता है, और जो अन्य धातु है उनका प्रतिरोध अलग अलग होता है, वो तीन बातों पर निर्भर करता है, देखो लंबाई के समानुपाती, देखिए लंबाई के समानुपाती आ रहा भी आ रहा है, यहाँ पर यहाँ पर साफ साफ आ रहा है कि आर लंबाई की क्या है, समानुपाती है, आर क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, आर क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, तो देखिए तो आर यहाँ पर एरिया मतलब क्षेत्रफल की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो आ रहा भी आ रहा है यहाँ पर आर का फॉर्मूला अच्छे से, तो ये इसका एक्यूरेट फॉर्मूला है, क्योंकि अपन लिखते हैं वहां पर, और ये बचा वाला पार्ट जो है वो रो है, बचा वाला पार्ट क्या है, रो है, आर यानी रो यानी एल ए, जो ये वाला पार्ट हो जाएगा वो घनत्व के तौर पर मतलब ये प्रतिरोधकता के तौर पर माना जाएगा। अब बात करते हैं आगे की ओर, क्योंकि डेरिवेशन चल रही है फिलहाल, इसको अपन ज्यादा अंदर नहीं लेंगे, तो आर बराबर, अब आर बराबर ये फॉर्मूला आ गया, तो अपन क्या करेंगे, इस ए को मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो देखो आर, इस एल को नीचे उतार देता हूँ, आया नहीं आया, आर ए बाकी चीजें अपनी जगह पर चेक कर। अब मुझे ये बताइए आर बराबर मैग्नेटिक फॉर्मूला क्या होता है, रो एल एफ वन में ए होता है, सब जानते हैं, अगर आप ए को उधर ले जाऊं एल को नीचे ले जाऊं तो बताओ ये क्या बना, रो बना नहीं बना, तो इस पूरे की जगह में क्या रख दूंगा बताओ, रो रख दूंगा, और यहां पर क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर एन, ये तो ऐसा कैसा आपको उतार लेना है। अब मुझे बताइए रो बराबर क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मैथमेटिक्स तौर पर, इस एम को नीचे लगा दो, वन अपॉन लगा के वन अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ अपॉन में ले सकता हूं, और काम खत्म। इसको अपन क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, यहाँ पढ़ते हैं ना, ये हमेशा चालकता होता है, यही तो लिखते थे अपन, ये वाला भाग ये नहीं, ये वाला भाग अपन इसको सिग्मा लिखते थे, तो देखिए यही वो चीज है सिग्मा, आया नहीं, तो ये सिग्मा रो बराबर अपन सिग्मा, इस प्रकार से अपना फॉर्मूला
ग्रुप हुआ। तो मतलब कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर कैलकुलेशन है, और सबसे पहले काम आपको इतना से करना है, स्टार्ट कहां से करना है, आई बराबर ए एन बी डी से स्टार्ट करना है, और जहां पहले अपन वेग का फॉर्मूला रखना है, फिर उसके बाद में किसका रखना है, विद्युत क्षेत्र का रखना है, ई बराबर बी बटा एल, फिर क्रॉस करना है, वी और आई आर को अलग अलग करना है, और ओम के नियम से उसको तुलना करना है, एक आर का एक फॉर्मूला आएगा और काम खत्म। फिर ज्यादा विलंबित नहीं है, थोड़ा सा प्रोसीजर आपको याद रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वाली प्रैक्टिस, देखने से नहीं आएगा, ये वो भजन नहीं है जो सुनने से अच्छा लगेगा, आपने कान में लगा लिया सुन लिया, नहीं, आपको आपको फिर पेन लेके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर भी किसी प्रकार की क्यूरीज रहती है, प्रॉब्लम रहती है, या आपको लगता है कि सर यहाँ मुझे समस्या आ रही है, या मुझे दिखने में समस्या है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज है, कई बार वॉइस की प्रॉब्लम रह जाती है, या कहीं दिखने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप थोड़ा ईयरफोन लगा के अच्छे से एक जगह बैठ कर आप समझे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन होता है नीचे, वहां पर लिख के बताएं कि ये सर ये समस्या रही, ताकि उसको अगले वीडियो में या उसी कमेंट सेक्शन में मैं उसका आंसर दे सकूं, क्योंकि प्रॉब्लम्स सामने आएगी तो ही उसका सॉल्यूशन होगा, और प्रॉब्लम सामने तब आएगी जब अपन वीडियो को देखेंगे, मतलब क्लास को पूरा लेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, और विदाउट प्रैक्टिस तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, ऐसे देख के चलते गए चलते गए तो सारे अच्छे लगेंगे, वैसे तो अच्छे अच्छे हैं सब, तो वो अच्छा नहीं चाहिए, समझ में आने वाला अच्छा चाहिए कि आप उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो भी आज मैंने डेरिवेशन बताई उसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करें, किसी भी प्रकार की क्यूरीज है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उसका जल्दी से जल्दी क्या करूंगा, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास आपको, और हाँ प्यारे बच्चों, आज की क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, आज का जो टॉपिक है ना वो कक्षा 12 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी कक्षा 12 के बच्चे हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, या मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो मान लीजिए कि कॉलेज स्तर का है वो इसको देख रहा है, तो वो अपने सीनियर वाले बच्चे को इसको क्या कर दें, लिंक सेंड कर दें, ताकि वो इसको अच्छे से नोट कर ले। और हाँ, जो भी बच्चा मान लीजिए कि चाहे वो कॉलेज स्तर का हो या डिफेंस लाइन का हो, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मूले बेसिस पर, उनको डेरिवेशन में नहीं घुसना है, कहीं वो डेरिवेशन लेके बैठे, उनको तो ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, अगर वो ये फॉर्मूले को अच्छे से याद रखेगा तो उनको आगे दिक्कत नहीं आएगी। कक्षा 12 के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है टॉपिक, क्योंकि उनको थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर करना होता है। तो आज की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे एकदम चैनल पर आज ही आए या नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्या करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।